सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने वाले, परंतु संगम युग पर संपूर्ण फरिश्ता का ज्ञान देकर फरिश्ता बनाने वाले, क्योंकि फरिश्ता स्वदेवता अव्यक्त बाप दादा आज अव्यक्त वाणी द्वारा हमें कह रहे हैं, समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता के लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी अपने अपने भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही। मैं कौन बा, मेरा भविष्य क्या, वो अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हैं। बाप दादा हर एक बच्चों के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, क्योंकि कई बच्चे अपना स्वराज्य की स्मृति को संकल्प के रूप में याद करते हैं, मैं आत्मा अधिकारी हूं। एक एक संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति में लाना, मतलब रिफ्रेश करना, मैं हूं। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना, और इन कर्म इंद्रियां रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है, और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो, चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हैं। ऐसे हैं स्वराज्य अधिकारी आत्माएं। क्या आपके राज्य में आपकी सर्व कर्म इंद्रिया अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? एक दो कर्म इंद्रिया थोड़ा नाज नखड़ा तो दिखाएगी, तो फिर क्या हुआ, पुरुषा ठीक नहीं है, आपके ऑर्डर में नहीं है। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है, क्या समझते हैं, चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर में क्या अधिकार है कि अब मेरा अधिकारी बन जाना। कब मैं अधिकारी बन जाती, समय प्रमाण है स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रियलसल देखी सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा दिखाना, चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का कार्य क्या है चेक करो। जैसे स्थूल साधन के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं। सर्व शक्तियां हैं, किसी को शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वो संतुष्ट होगी। जैसे किसी को पानी चाहिए और आप उसको
36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वो संतुष्ट होगा? तो ऐसे वैरायटी बनना है सिर्फ अपने अशरीर बनने के लिए नहीं, वो तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा बरसे मिले हैं, वो सब अधिकार एवरेडी है। ऐसे तो नहीं जैसे समाचार में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वो फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया, तो एवरेडी नहीं रही ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो है विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, परमात्मा कह रहे हैं बच्चों को सर्व साधन एवरेडी है, सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में है। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति तो एक सेकंड से भी कम में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ऐसे ऑर्डर में है या एक मिनट अपने में लाने में लग जाएगा, दूसरों को दे सकेंगे? अगर समय पर किसी को जो चाहिए वो नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प चल रही है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, सुना है ना, यह तो रिहर्सल है। ये 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। पहले घंटा बजेगा फिर नगाड़ा बजेगा, डरेंगे थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों का स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियां भी आ गई। सदा शक्तियों का कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते हैं। ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है, इसलिए सर्व शक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकार सारा दिन में कहां तक कार्य में लगाते हैं। मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, यानी मालिक होके अर्डर करो और चेक करो कि हर कर्म इंद्रिया मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। बाबा कहते हैं ऑर्डर करें, हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहां तक दरबार चलेंगे। कुछ तो दिखाना चाहिए, क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है? क्या यह लव और लॉ ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने वाले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य बहुत करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जहां तक सेवा के निमित्त हैं वो बहुत अच्छे की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकारी कहां तक बने हो? जब तक किया, जब तक चला अच्छा, लेकिन अब और अच्छा होना ही है, बहुत अच्छा होना है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, स्वयं को निमित्त समझ, व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाप दादा कह रहे हैं मैं विश्व कल्याण के कार्य में अर्थ निमित्त हूं, इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति बा अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना शुभ कामना स्वतः ही रहती है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को अव्यक्त वाणी के अनुसार स्लोगन दे रहे हैं कि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति।
तो हम बच्चों को क्रोध नहीं करना है, जितने हम शांति में रहेंगे और इस टाइटल को अपने जीवन में ले आना है कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, मुझे शांत रहना है। तो आज की अव्यक्त वाणी के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण व्यर्थ से मुक्त विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं संपूर्ण व्यर्थ से मुक्त विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। तो आज की अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है। अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए निरंतर बाप दादा के सामने अव्यक्त वतन का अनुभव करना है कि मैं फरिश्ता पूरे विश्व ब्रह्मांड को सकाश दे रहा हूं, संपूर्ण ब्रह्मावा के सामने बैठा हूं और सबको सकाश दे रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।